हरियाणा के पलवल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि पलवल में इनेलो कार्यकर्ता मीटिंग को संबोधित करने पहुंचे इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला। चौटाला ने कांग्रेस पार्टी और भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भाजपा आपस में मिली हुई है और राज्यसभा के चुनाव में एक दूसरे को लाभ पहुँचाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में इनेलो पार्टी को ग्राम स्तर व बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने का काम किया जाएगा, जिसका असर आने वाले चुनावों में दिखाई देगा। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने कहा कि पार्टी को मजबूत करने के लिए एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इसी कड़ी में इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला और प्रदेश अध्यक्ष नपे सिंह राठी व इनेलो के वरिष्ठ नेता श्याम सिंह राणा पलवल में इनेलो कार्यकर्ता मीटिंग को संबोधित करने पहुंचे, जहां उन्होंने ग्राम स्तर और बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं को गुर सिखाए और कहा आने वाले चुनाव में पार्टी संगठन को मजबूत करने का असर देखने को भी मिलेगा। अब जिला परिषद और पंचायत समिति और पाड़ों के चुनाव में इनेलो प्रत्याशी जीत कर आएंगे। वहीं उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से अनुरोध करते हुए कहा कि वो अपने पुराने साथियों को पार्टी से पुनः जोड़ने का काम करें, जो गलती से दूसरी पार्टी में शामिल हो गए थे, वहां जाकर अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। इस मौके पर इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों पार्टी आपस में मिली हुई हैं। राज्यसभा चुनाव में दोनों पार्टियों के विधायकों व नेताओं ने एक दूसरे पार्टी के प्रत्याशी को लाभ पहुंचाने का काम किया था। उन्होंने कहा कि इनेलो कार्यकर्ता गांव-गांव शहर-शहर जाकर भाजपा जजपा सरकार के 600 दिनों में किए गए घपले घोटालों की पोल खोलने का काम करेंगे। हमने प्रदेश भर में पहले वाइस कार्यकर्ताओं की मीटिंग रखी और अब से पहले हमने 6 डिस्ट्रिक्ट जो है कवर कर लिए। हर रोज 2 जिले हमने रखे हुए हैं। हम अपने संगठन को ग्राम पंचायत के वार्ड के सत्र तक लेकर के जाएंगे और जहाँ संगठन मजबूत करेंगे वहीं सरकार के जो 600 दिन हुए हैं इनमें कौन कौन से घपले और घोटाले किए, किस तरह के हालात इस प्रदेश के हुए, सरकार ने क्या क्या बेकायदगियां करी, उन सब की पोल भी गांव के लोगों के शहर के लोगों के बीच में जाकर के खोलने का काम करें। हमारा कार्यकर्ता लगातार जहां इस काम को आगे बढ़ा रहा है वहीं ये जो आंदोलन चल रहा है किसान आंदोलन उसमें भी एक वॉलंटियर के रूप में काम कर रहा है। सरकार इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए अपनी तरफ से हर तरह की योजनाएं बनाती है, अच्छे हथकंडे अपनाती है, विवादित बयान देती है, विवाद खड़े करना चाहती है, लेकिन किसान जो है वो अच्छी तरह से इनकी हर चाल को समझ चुका है। अब सरकार को ही आखिर मजबूर होकर के अपने काले कानून वापस लेने पड़ेंगे और किसान को MSP के साथ नया कानून दे करके घर वापसी करानी पड़ेगी। आपने 2 उदाहरण दिए राज्यसभा चुनाव के कि कांग्रेस और BJP मिले हुए हैं। एक तो उदाहरण है आरके आनंद के चुनाव का और सुभाष चंद्र जी का, दूसरा दीपेंद्र हुड्डा के राज्यसभा चुनाव का, कैसे मिले हुए हैं? ये तो कहते हैं कांग्रेस चला रही है उस आंदोलन को, किसान आंदोलन। आपने देखा नहीं कि आरके आनंद का जब चुनाव था पेन की स्याही बदली गई थी, पेन बदला गया था, डुप्लीकेट पेन ला करके रखा गया था, तो फिर वो साजिश किसकी थी? अगर हुड्डा उस साजिश में शामिल नहीं था तो फिर हुड्डा ने बाहर आकर के ये बयान क्यों नहीं दिया कि भाजपा ने धोखा किया है? कभी एक शब्द चंद्रा के चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बोला? अब जब राज्यसभा का चुनाव था BJP ने राजस्थान में जहां उनके पास संख्या पूरी नहीं थी वहां भी दूसरा कैंडिडेट खड़ा किया था, मध्य प्रदेश में जहां संख्या पूरी नहीं थी वहां तीसरा कैंडिडेट खड़ा किया, हरियाणा के अंदर जहां संख्या पूरी थी 1 MLA कम था सिर्फ उनके पास, वहां इन्होंने किसी को चुनाव भी नहीं लड़ाया। चंद्रा के वक्त इनके पास 8 MLA की कमी थी, उसके बावजूद भी इन्होंने चुनाव लड़ाया था। तो आपस में मिले हुए कि नहीं मिले हुए? उसका आसान उतारना था, आसान उतार दिया। ओम प्रकाश के लिए काम करते थे
सबसे ज्यादा मजबूत संगठन अगर किसी पार्टी का है तो उस पार्टी का नाम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। सत्य जहां हमारा मजबूत संगठन था उस संगठन को कमजोर करने के लिए हरेक पार्टी के नेताओं ने षड्यंत्र रचने के काम किए। सबसे पहले इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को कमजोर करने के लिए कांग्रेस की तरफ से षड्यंत्र रचा गया। 2005 के अंदर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सीबीआई के साथ मिलकर के केंद्र की सरकार के सहयोग से चौधरी ओम प्रकाश उराला के खिलाफ जेबीटी की भर्ती के नाम के ऊपर एक षड्यंत्र के तहत पार्टी को कमजोर करने के लिए चौधरी ओम प्रकाश उराला को 10 साल की सजा कराई। जहां पहले कांग्रेस ने हमारे संगठन को कमजोर करने का प्रयास किया वहीं भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आकर के इंडियन नेशनल लोकल पार्टी को संगठन को तोड़ने के लिए उत्तरवासी लोगों को लालच देकर के कहीं ना कहीं पार्टी से अलग करके हमारे संगठन को कमजोर करने का काम किया। आज फिर नए सिरे से संगठन मजबूत हो इसके लिए पार्टी ने पिछली 4 तारीख को पूरे प्रदेश के जिला के अध्यक्षों को जिन साथियों की जिम्मेवारी हमने लगाई जिला के सैनिक के रूप में उनको और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को बुला करके आपस में विचार विमर्श करके फैसला लिया था कि अगले 15 दिन के अंदर केवल जिला के सत्र के ऊपर संगठन बनाने का काम करेंगे बल्कि जोन के सत्र के ऊपर भी पार्टी के सीनियर साथियों को जिम्मेवारी देकर के पार्टी का संगठन खड़ा करने का काम करेंगे। मैं बधाई देता हूं पलवल जिला के पार्टी के पदाधिकारियों को पार्टी की उस पूरी टीम को जिन्होंने जो जिम्मेवारी हमने लगाई थी उस जिम्मेवारी को पूरा करते हुए